So good morning everyone, my dear students. Today I am going to discuss the chapter human reproduction. The topic is female reproductive system. What is female reproductive system? So aaj hum log female reproductive systems ke bare mein padhenge ki female reproductive systems kya hota hai और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के टाइप्स में क्या होता है. लाइक द वन पेयर ऑफ ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द नेसेसरी डॉग, नेसेसरी ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ द फीमेल्स. ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग उसका मैकेनिज्म और फंक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो टूडे वी आर गोइंग टू discuss the topic human female reproductive systems. So female reproductive systems में बेटा अरे क्या क्या होता है रे. female reproductive systems में क्या क्या होता है कौन बताएगा, क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में. क्या होता है मैंने बोला था, वन पेयर ऑफ ओवरी, दूसरा एसेसरी डॉग. यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड्स कोई होता नहीं है, होता है लेकिन उसको एक्सेप्शन में लिया जाता है गो बुझला गो. और थर्ड में होता है एक्सटर्नल जेनेटियल. व्हाट इज एक्सटर्नल जेनेटियल, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? आया सर. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. जोगेश्वर भोई बाबू नया ज्वाइन किए थे, कहाँ गए, किधर गायब हो गए? तो चलो, सो वन पेयर ऑफ ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो इनके बारे में देखेंगे. वन पेयर ऑफ ओवरी में क्या है बेटा, इट इज आल्सो नोन एज कॉल्ड एसेंशियल सेक्स ऑर्गन. व्हाई इट इज एसेंशियल सेक्स ऑर्गन, बिकॉज इट इज हाईली 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 एसेंशियल टू प्रोड्यूस व्हाट एंड व्हाट to female hormone in the female gamete. So what are called female hormone called progesterone or estrogen or oestrogen कह सकते हो. क्या होता है रे female hormone, progesterone. बोलो progesterone. What are the female gametes, ovum. What is ovum? It is the larger in size, and motile in nature, not non-motile in nature. What is non-motile? इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा. क्वेश्चंस में भी आस्क्ड इन योर मेडिकल एंट्रेंस कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ the basic structural and functional unit of ovary are called as. क्या होता है the basic structural and functional unit of ovary is called as. अरे भाई मैंने क्या बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड सेमिनिफेरस टेबल. व्हाट इज सेमिनिफेरस टेबल, सेमिनिफेरस टेबल कहते हैं क्योंकि ये सेमिनिफेरस टेबल वो होता है जो कि टेस्टिस के भीतर, टेस्टिकुलर लैबल्स के भीतर 1-3 नंबर ऑफ हाईली कॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो कि स्पॉर्म को प्रोडक्शन करने में
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्माटोजेनेसिस करने में मदद करता है, इसीलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस कहा जाता है। ऐसे मेरा सवाल है दोस्तों आपसे कि कौन सा चीज होता है जो ओवरी के भीतर जो कि ओव्यूम को फॉर्मेशन करने के लिए मदद करता है और मदद करेगा, उसी के बारे में अपन आपसे क्वेश्चंस पूछा है। सो कैन यू गेट माय पॉइंट? सो टेल मी व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी? राफेल फोलिकल। हां टेल मी, गाना कह रे बाबू माखन तुन कहाँ जे चुप पड़लू? राफेल फोलिकल। हां तोते के किडनैप करी नै जउ छी के जेंता कहो छु छी ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल ओके चलेगा, पार्शियली करेक्ट। ग्राफियन फोलिकल व्हाट इज दिस? ग्राफियन फोलिकल और इसको हम लोग कहेंगे ओवेरियन फोलिकल और ओवेरियन लॉक्यूल भी इसको कहा जाता है कुछ कुछ को। सो ग्राफियन फोलिकल और ओवेरियन फोलिकल ठीक है। तो बेटा एट द एज ऑफ प्यूबर्टी और मैच्योरिटी जो 11 से 12 साल होता है ना फीमेल में, उस समय में कितना होता है? 1 से 1.5 लाख होता है क्या ओवेरियन फोलिकल इनसाइड द ओवरी। लेकिन धीरे 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 एज के साथ 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 क्या होता है, ये रप्चर हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है कुछ, और कितना रहता है 50 से 60 हजार फाइनली होता है, जो कि फीमेल की बॉडी में ड्यूरिंग द ओजेनेसिस प्रोसेस के माध्यम से ओव्यूम को फॉर्मेशन करने में मदद करता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब फीमेल की पड़े। गायत्री जी, गायत्री बोई समझ रहे हो? हिमांशु बाबू समझ रहे हो? योगेश्वर बाबू आप भी समझ रहे हो ना? सुनाई दे रहा है कि नहीं योगेश्वर? नोट करते रहे ना, सुनाई दे रहे हैं। तो देखो बेटा, आप हमें थोड़ा एसेसरी डॉट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एसेसरी डॉट जो होता है वो क्या होता है? अरे एसेसरी डॉट वो होता है जिसके माध्यम से सारे कंपोनेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह में उथल पुथल किया जाता है। तो क्या होता है, देखिए क्या होता है यहाँ पे एसेसरी डॉट? ओपीडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा सबसे पहले? ओपीडक्ट। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? यूटेरस। इसके बाद वेजिना ठीक है। तो अभी तक टीचर उन्होंने इसका, अरे क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब होता है। अगर फीमेल की डायग्राम में हम देखेंगे तो दिस पार्ट इज द फेलोपियन ट्यूब। व्हाट इज फेलोपियन ट्यूब? सो द लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, the length of the fallopian tube is 10 to 12 centimeter. How much? 10 to 12 centimeter. All of you clear? Clear, clear? Yes or no? Yes, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको आगे बताऊंगा रे यहाँ पे बड़ा डायग्राम में कि फिब्रे क्या होता है। देखो फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब इज इक्वल टू, नोट करो, फेलोपियन ट्यूब इज इक्वल टू, नोट करो 12 सेंटीमीटर कैसे बनेगा। फेलोपियन ट्यूब इज इक्वल टू, फेलोपियन ट्यूब इज इक्वल टू, फेलोपियन ट्यूब इज इक्वल टू, किसको किसको कहेंगे? द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिम्ब्रे। प्लस क्या आ जाएगा? द वाइडर पार्ट इज कॉल्ड फनल शेप इज कॉल्ड इनकॉन्डिबुलम।
अब इन कॉन्डिबुलम के बाद जो वाइडर पार्ट आएगा उसको कहेंगे अम्पुला। क्या कहेंगे जी? अम्पुला। अम्पुला के आगे हिस्से में अरे नेरो नेरो रास्ता आएगा, उसको अपन क्या कहेगा? क्या कहेगा उसको? इस्थमस कहेगा। क्या कहेगा? इस्थमस। तो बेटा क्या मैंने बोला रे? फैलोपियन ट्यूब का लेंथ 12 से 15 सेंटीमीटर होते हैं, और ये क्या क्या होता है जो ओवरी से अटैच होता है? फिंगर लॉइड प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड, याद रखना मेडिकल की सवाल है, देख लो प्रीवियस ईयर की 2012-13 की नेट क्वेश्चंस होगी, ठीक है ना? तो ओवरी में अटैच होते हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को शो करते हैं, अरे उसको क्या बोलेंगे रे? फिम्ब्रे कहेंगे। क्या कहेंगे? फिम्ब्रे। फिम्ब्रे। फिम्ब्रे से बेटा, फिम्ब्रे से जो फोनल सेप का स्ट्रक्चर कनेक्ट होगा, अरे उसको क्या कहेंगे? इनकॉन्डिबुलम कहेंगे। इनकॉन्डिबुलम। इनकॉन्डिबुलम से बेटा वाइडर पार्ट होगा, वाइडर पार्ट जो छोड़ा छोड़ा दिखेगा उसको क्या कहेंगे? एम्पुला कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्पुला कहेंगे। अब एम्पुला के आगे बेटा नेरो जंक्शन होगा जिसको हम कहेंगे इस्थमस। तो टोटल स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे? ओविडक्ट कहेंगे, नहीं तो फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू गाइस? यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब बेटा वेयर इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? कौन सा बेडरूम होता है? तो बेडरूम को क्या कहते हैं? अरे इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन कहते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन करने का बेडरूम कहा जाता है। ऑल ऑफ यू क्लियर? वेरी गुड। इसके बाद बेटा यूटेरस के बारे में देखेंगे। फीमेल में यूटेरस होता है। यूटेरस बेटा ओ शेप होता है, ओ फीमेल में होता है, जो बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसका काम होता है बेटा आफ्टर जायगोट क्या होता है फीमेल में? क्लीवेज होता है। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है रे? क्लीवेज होके प्लास्टोमर्स बनता है। मरूला बनेगा, प्लास्टूला बनेगा, गैस्टूला बनेगा भाई। तो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होके कहाँ पे अटैच होते हैं? यूटेरस में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? यूटेरस में होते हैं। हम क्या कहते हैं? द अटैचमेंट ऑफ, नोट इट, द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहते हैं। वेरी गुड। तो बेटा यूटेरस में क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। यूटेरस वो साइट होता है जहाँ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। अब मैंने तो सवाल यहाँ जो मेडिकल में आए हुए हैं आपको पूछना चाहता हूँ, जिसको जिसको आता है बता दीजिएगा, जिसको जिसको ना आता है वो भी बता दीजिएगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन है। द कनेक्शन बिटवीन, लिसन व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, the connection between uterus with embryo is called this. तूने मारी एंट्री दिल में बजी घंटी, जल्दी बताओ 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 बताओ। प्लासेंटा। अरे किसने प्लासेंटा कहा रे? उसको सब ताली बजाओ रे। वेरी गुड। द अटैचमेंट ऑफ यूटेरस विथ बैडस इज कॉल्ड प्लासेंटा। रे बाबा प्लासेंटा होता। और मैंने बोला द कनेक्शन बिटवीन द प्लासेंटा टू फेटस, दिस इज कॉल्ड सर अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड। इनके लिए ताली हो जाए भाई, ताली हो जाए। अम्बिलिकल कॉर्ड। वेरी गुड। क्वेश्चंस लिख पाओगे ना?
अब बेटा यूटेरस जो होता है, यहाँ पे और दो सवाल देखो मैं कैसे सवाल बना बना के आपको पूछ रहा हूँ। यूटेरस का भीतर अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, सुनो, यूटेरस की भीतर अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे? इफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द यूटेरस इज कॉल्ड डेथ प्रोसेस, और इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट आउटसाइड द यूटेरस इज कॉल्ड डेथ टाइप ऑफ एम्ब्रियो। डेथ टाइप ऑफ प्रोसेस मतलब बेटा याद रखना रे, अरे यूटेरस की भीतर अगर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगा तो उसको एंडोपिक पार्चुरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोपिक पार्चुरेशन कहेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, इसमें कोई डेंजरस नहीं होता। अगर अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक प्लेस outside the uterus, if the embryo development takes place outside the uterus, this is called ectopic parturation. क्या कहते हैं? Ectopic. और ectopic जो होता है वो severe होता है, उसमें बच्चा मर सकता है, मदर भी मर सकता है। अब uterus की types बेटा कितने प्रकार की uterus होता है? तीन प्रकार। The outer layer of the uterus, epimetrium or epimetrium. Middle layer of the uterus, myometrium. Innermost layer of the uterus, endometrium. So menstrual cycle में female में जो inner lining material breakdown होता है तो उसके menses होते हैं, तो कौन सी लेयर ब्रेक होता है? इनर लेयर, क्या? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन होते हैं ताकि स्ट्रॉन्गली यूटेरस को कंट्रैक्शन कर सके, डाली बैरियर पार्चुरेशन में ये हो सके। इसके बाद देखिए वेजिना। अब वेजिना और वेजिनल कैनाल, वेजिना वो ओपनिंग होता है जिसके थ्रू से आप लोग कोइटस करते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, जिसके माध्यम से आप इंसेमिनेट करते हो स्पर्म को, इसके अंदर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, इसके अंदर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। वेजिना वो पार्ट होता है जहां आप फीमेल कंडम यूज करते हो, जहां पे आप फीमेल सर्विकल के ये सब यूज करता है, ठीक है। अब बेटा एक्सटर्नल जेनिटल में, एक्सटर्नल जेनिटल में मैं आपको क्या बता देना चाहता हूँ, मॉनक्यूबिक्स। ये मॉनक्यूबिक्स फीमेल में होता है, ठीक है। वहां पे आप लेबिया मेजोरा और लेबिया मेनोरा देखोगे, फैटी टिश्यू होता है, इसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका ऊपर पार्ट में मैं डायग्राम अभी दिखाऊंगा, उसका ऊपर पार्ट में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखोगे सब फंसना मत। तो आगे क्या होगा, हेयर होगा और नीचे उनका लेबिया मेजोरा लेबिया मेनोरा होता है, और एक वेस्टिबुली होता है, क्या होता है, और हाइमेन और क्लिटोरिस, इसके बारे में वो पिक्चर में वेस्टिबुली में आपको दिखाऊंगा तो समझोगे। हाइमेन बेटा वो होता है जो कि मतलब आप लोग क्या कह सकते हो, इट इज द थिन लाइक स्ट्रक्चर और ओपनिंग ऑफ द वेजिना, वेजिना के ओपनिंग में हाइमेन लेयर होता है, और इसी हाइमेन को लेके आदमी लोग सोचता है कि लड़की वर्जिन है या नहीं, जो कि 100% गलत है। मेडिकल साइंस ने कहा है हाइमेन, अगर कोई गर्ल्स अगर स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई वो अगर मतलब एक्सरसाइज ज्यादा करता है, साइकिलिंग करता है, तो उनका केसेस में हाइमेन पहले से ब्रेक हो जाता है। तो इससे भाई आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि मतलब लड़की वर्जिन है या इनवर्जिन है। तो जब भी आप लोग शादी ब्याह करोगे, अपना बीबी से ऐसा ट्रेल मत कर लेना कि वर्जिन हो ना वर्जिन हो, नहीं तो छोड़ के भाग जाएगी आप। क्लिटोरिस क्या होता है? क्लिटोरिस बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि मतलब फीमेल की सेक्सुअल एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करता है। अगर लॉग आउट मतलब टाइम खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा तो फिर से लॉग इन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इंटरेस्टिंग अभी पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे आसो गो, खोले खोले आसो।
अंकित अग्रवाल आसीचे कि नहीं बाबू क्लास रे आसीचे सर अंकित अग्रवाल नेक्स्ट क्लास में नहीं आए तो छोड़ेंगे नहीं आपको पूरा सीधा धनुष मारेंगे गायत्री बोई बेटा समझ में आ रहा है एक गायत्री बोई गायत्री बादी और एक गायत्री बादी थी ये कहाँ गई यार धीरे धीरे खोले खोले बोर्मा आके तो देखो अब बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा ओवरी जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा फीमेल गैमेटोभा और इसको स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन भी कहते हैं क्या क्या स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या आया कि नहीं अब बेटा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ओवरी ईच ओवरी इज अबाउट 2 टू 4 सेंटीमीटर लेंथ कितना होता है 2 से 4 सेंटीमीटर 2 टू 4 सेंटीमीटर और दे आर लोकेटेड इन बोथ द साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन ये याद रखना कहां पे प्रेजेंस होता है ओवरी दे आर लोकेटेड ऑन द बोथ द साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन में होता है फीमेल का लोअर एब्डोमेन पेट रो तोले तोले पूरा पेट रो तोले एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट और कनेक्टेड होता है किसका किसका बीच में जो पेल्विक वॉल होता है और यूटेरस के बीच में तो पेल्विक वॉल और यूटेरस को जोड़ने का काम कौन करता है लिगामेंट्स करता है कौन करता है रे बेटा लिगामेंट्स समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है गोमुर मकुरो माने बेटा लिगामेंट्स देखो हला ओवरी है ना बेटा पेल्विक वॉल में जो अटैच हुआ यूटेरस के साथ वाला यूटेरस है तो ये वाला ये क्या है ये देख रहे हो ये वाला ये पूरा लिगामेंट से क्या है लिगामेंट ये वाला व्हाइट कलर देख लो बेटा ये क्या है आपका ओवरी है इसका भीतर बहुत सारा क्या है ओवरियन फोलिकल है क्लियर है कि नहीं अरे यस और नो रे मोर मकरो माने यस यस सर देखो बेटा yes, बता रहा था ये देखो ये भेजीना है जिसके थ्रू से आप पोइटस करते हो ये बेटा देखो इस हेड वाला इस सर्विक्स है सर्विकल के बाद ये मिडिल लेयर ऑफ द यूटेरस इसको कहेंगे मायोमेट्रियम भीतर लेयर ऑफ द यूटेरस इसको कहेंगे एंडोमेट्रियम ये हो गया पूरा फेलोपियन ट्यूब ये हो गया आपका पूरा यूटेरस ठीक है ना चलो आगे और अच्छा बढ़िया सा डायग्राम दिखाते हैं चलो और इंटरेस्टिंग डायग्राम हंसना मत अब देखो बेटा पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे प्यारा ओवरी के बारे में वन मिनट सभी को समझ में आ रहा है ना भाई यस आ रहा है सर आ रहा है सर भाई यार 2 महीना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो यार जिंदगी बदल जाएगा साला डॉक्टर बन जाओगे ना कितना अच्छा लगेगा और नॉर्मल बेटा जो लोग सोच रहे हैं ना मैं बीएससी करूंगा बीए कर लूंगा बीकॉम कर लूंगा ये सब फालतू है बकवास की अगर जिंदगी में नौकरी करना नहीं है और विशाल बिंदल जैसा जाके दुकान खोलना है ना तो ये सब सोचना और अगर जिंदगी फ्यूचर में कुछ बड़ापन करना है कुछ बन के दिखाना है अपने के लिए अपने घर के लिए अपने देश के लिए तो अच्छे से पढ़ के दिखाओ सब कुछ मिलेगा आपको सारा गेट आपके लिए ओपन हो जाएगा अगर अच्छे पढ़ के और तो 3-4 दिन में आपका सीबीएसई रिजल्ट भी आ जाएगा सीएचएससी स्टेट बोर्ड का थोड़ा लेट होगा 25 से 30 के भीतर आएगा और 10 तारीख से 15 तारीख के भीतर सीबीएसई का 10th और 12th का रिजल्ट आ जाएगा ठीक है तो बेटा देखते हैं ये वाला देखो डायग्राम में का केन वाला डायग्राम का पान वाला बाबू ये डायग्राम देखो ये डायग्राम क्या मैं काय कर छु पिले तहार एनलार्ज व्यू इटा शो कर छु काय पे होगो एनलार्ज व्यू जेटा माइक्रोस्कोप रे हमें देखु छु बुझला का से ग्राफीन फोलिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफीन फोलिकल है ना बेटा तो देखो
ये ओजेनेसिस प्रोसेस भी बता दे रहा हूँ इसमें थोड़ा आपको बेटा। तो क्या हो रहा है बेटा, पहले यहाँ पे देखो ओगोनियम होगा, ओगोनियम क्या होगा रे बेटा, ओगोनियम ओगोनियम होगा एक सेल उसको कहेंगे वाला। आप ये धीरे 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 फॉलिकल ग्रोइंग करेगा, फिर प्राइमरी फॉलिकल करेगा, फिर म्यूटिक डिफरेंशिएशन में फिर धीरे धीरे प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट ऐसे बनेगा, ठीक है। और उसको मैं अगर कहूँ आपको तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल, आप ये धीरे 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 क्या बनाएगा रे, क्या बनाएगा प्राइमरी फॉलिकल। एक सेकेंड देखो, प्राइमरी फॉलिकल धीरे 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 ग्रोइंग करेगा, ग्रोइंग करने के बाद ये फॉलिकुलर सेल्स जो है धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इसके बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल भी होता है उसको एंट्रोम कहते हैं। इसमें क्या नहीं है एंट्रोम की वाइट, आप ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद बर्स्ट और रप्चर होगा। क्या होगा बेटा, रप्चर मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तोड़ जाएगा। तो जब ग्राफियन फॉलिकल तोड़ जाएगा तब क्या होगा बेटा, ओव्यूलेशन होगा। अरे क्या होगा रे, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन क्या होगा बेटा, एक एग सेल प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, एक एग सेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना बेटा। अब धीरे 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 जो रेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल था वो क्या करेगा बेटा, धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाएगा कॉर्पस ल्यूटम। क्या बनाएगा बेटा, कॉर्पस ल्यूटम, कॉर्पस ल्यूटम। हाँ, ये मेडिकल में इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस कॉर्पस ल्यूटम इज हाईली रेस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट द व्हिच हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा बेटा, प्रोजेस्टेरोन करने में मदद करेगा। ये मेडिकल क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी याद रखना। इसके बाद बेटा अगर दो केसेस है, अगर फीमेल में मान लो ओव्यूलेशन हो रहा है 14 नंबर दिन में, तो हमेशा ओव्यूलेशन होगा 14 नंबर दिन में। जब ओव्यूलेशन हुआ, जब ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट और रप्चर होके ओव्यूम सीक्रेट हुआ, उस समय कॉर्पस ल्यूटम बनता है। तो उस समय अगर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा, अगर मान लीजिए आपने कोइटस किया और मेल गैमेट आपका चले गया, तो वहां पे क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटम बनेगा और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा। अगर एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, वो कॉर्पस ल्यूटम डीजेनरेट हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। क्या होगा, डीजेनरेट नॉन फंक्शनल हो जाएगा, और वो जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको क्या कहेंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। समझ में आया कि नहीं रे? यस सर। तो ईच ओवरी इज कवर बाय ए थिन एपिथेलियम व्हिच एनक्लोज द ओवेरियन स्टोमा। तो क्या है, जो ओवरी होता है आउटर कवरिंग लेयर होता है वो थिन एपिथेलियम टिश्यू से एनक्लोज क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं रे, ओवेरियन स्टोमा कैसो, कहना कैसो को, ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा। हाँ, और द स्ट्रोमा हैज ए टू पार्ट, हमें ओवरी का जो आउटर कवरिंग थिन एपिथेलियम होता है उसको ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं, और ये ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर पार्ट ऑफ द ओवेरियन स्ट्रोमा इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट ऑफ द ओवेरियन स्ट्रोमा इज कॉल्ड मेडुला। जैसे किडनी में पड़े हो, आउटर जंक्शन ऑफ किडनी इज मेडुला, इनर जोन इज, आउटर जोन ऑफ किडनी इज कॉर्टेक्स, इनर जोन इज मेडुला, पढ़े थे ना? ओवेरियन स्ट्रोमा की आउटर जोन को कॉर्टेक्स कहेंगे और इनर जोन को कहा कहेंगे, अरे मेडुला कहेंगे। क्या कहेंगे?